Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Shining with me. I am Komal Singhal and in today's video we are going to learn about how to create Khushi Punjaban inspired makeup look with hairstyle. Okay, so let's start. So guys, इस मेकअप लुक को क्रिएट करने से पहले हम सबसे पहले अपने फेस को एक वेट वाइप से पोंछ लेंगे लाइक आई एम डूइंग, जिससे कि हमारे फेस पे जो भी एक्स्ट्रा डर्ट या कोई मेकअप प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। इसे पोंछने के बाद हमें मेकअप करने के लिए सबसे पहले अपने फेस पे प्राइमर लगाना है। आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी प्राइमर। अगर आपके पास सारे मेकअप प्रोडक्ट नहीं हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं जिस पे मैंने एक प्रोडक्ट का दूसरा सब्स्टिट्यूट बताया कि आप उस प्रोडक्ट की जगह कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सो गाइस, टेक दिस मच अमाउंट ऑफ प्राइमर एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस। जहाँ पे भी आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे प्राइमर को अप्लाई करें। पूरे फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लें अच्छे से, अपने पूरे फेस पे लगा लें। जो प्राइमर होता है वो हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करने में हमारी हेल्प करता है। ओके गाइस, सो प्राइमर लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। आई एम यूजिंग दिस टर्मरिक क्रीम। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। टेक दिस मच अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर एंड अप्लाई इट ऑन योर होल फेस। पूरे फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लें जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पे अच्छे से रब कर ले। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा और एक मेकअप को फिनिश लुक देने में हमारी हेल्प करेगा। गर्दन पे भी अच्छे से लगा ले। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम अपने लिप को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वैसलीन का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लिप बाम है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, प्राइमर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, उसके बाद हमें फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाना है। मैं यहाँ पे लैक्मी 925 सीसी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो फाउंडेशन का यूज़ भी कर सकते हैं जो आपकी स्किन टोन से अच्छे से मैच होता हो। आई एम यूजिंग दिस लैक्मी 925 सीसी क्रीम। मच अमाउंट ऑफ सीसी क्रीम और फाउंडेशन और बीबी क्रीम और उसको अपने पूरे फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके अप्लाई कर ले। अब अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सबके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो वो मेरी तरह फिंगर का भी यूज़ करके अपने पूरे फेस पे बीबी और फाउंडेशन क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर सकता है लाइक आई एम डूइंग। गाइस, आप देख सकते हैं कि जो सीसी क्रीम है वो मैंने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर ली है और कहीं भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। गाइस, फाउंडेशन या सीसी क्रीम लगाने के बाद अगर आपके फेस पे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं तो मैं डायरेक्ट अपने फेस को पाउडर से सेट कर रही हूँ। अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, पाउडर से सेट करने से पहले वहाँ पर कंसीलर ज़रूर अप्लाई करें। मैं यहाँ पे ग्रीन टी एडीएस कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ। गाइस, अपने फेस को अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने के बाद आपको ब्राउन कलर का आईशैडो लेना है। आई एम यूजिंग दिस ब्राउन कलर। अपनी आईज पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है लाइक आई एम डूइंग। आपको भी सेम वैसे ही करना है। सो गाइस, आई शेडो लगाने के बाद अब हमें अपनी फेवरेट काजल लेनी है और उसको अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करना है। आई एम यूजिंग दिस लैक्मी आइकॉनिक काजल और उसे अपनी वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। गाइस, इस लुक को क्रिएट करने के लिए हम काजल को लाइट ही अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है कि इस कॉर्नर से थोड़ा काजल को बोल्ड करके स्मज करना है। किसी भी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्यूटिप की हेल्प से भी कर सकते हैं।
इस काजल अप्लाई करने के बाद आपको अपना कोई भी फेवरेट मस्कारा लेना है, आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी मस्कारा, उसको अपनी दोनों लैशेज पे अप्लाई कर लेना है, बोथ अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज, लाइक आई एम डूइंग, जैसा मैं कर रही हूँ। आईज मस्कारा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि एक सिंपल आई लाइनर लगाना है, बिल्कुल भी बोल्ड लुक नहीं देना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल थिन आई लाइनर लगाना है। सेम हम दूसरी आईज पे अप्लाई करेंगे। यूज रेड लिपस्टिक ऑन योर लिप्स। नाउ अप्लाई योर फेवरेट हाईलाइटर, आई एम यूजिंग दिस लैक्मी 925 हाईलाइटर। अगर आपके पास कोई भी हाईलाइटर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगी, जिसमें मैंने एक DIY हाईलाइटर बनाना सिखाया है। गाइस अब अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए किसी भी आईब्रो पेंसिल का यूज करें, लाइक दिस। ऐसे अप्लाई करने के बाद किसी भी ब्रश की हेल्प से पूरे आईब्रोज को फिल कर लें। गाइस दैट्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेकअप। खुशी पंजाबन इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने हेयर्स को बैक कॉम कर लीजिए। गाइस बैक कॉम करने के बाद एक ऐसा जिगजैग हेयर बैंड लीजिए। पीछे लेके जाने के बाद उसको ऐसे आगे लेके आए। हेयर बैंड लगाने के बाद अपने पीछे के हेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे कि हम हाफ पोनीटेल बनाते हैं सेम वैसे उनको अच्छे से कॉम्ब करें। कॉम्ब करने के बाद ऐसी डॉल्फिन लेके उसको सिक्योर कर लें। गाइस दैट्स द फाइनल रिजल्ट। ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे। एंड गाइस प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस। तेरे लिए मैं डिनरी प्लान करे आ, रिकी मल्ली तेरा बाहर जाना बैन करे आ, पट लूंगी मेनू वे स्कीमा जटा लागे जटी ने तेरे पीछे रंग टैन करे आ, मन जावे मन जावे मन जावे तू जट्टी मारती।